बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि इस प्यारे महीने में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और हमें इस प्यारे रमज़ान मुबारक में नेक आमाल करने और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलें, इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। आज की इसकी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फुल बॉडी वाइटनिंग शेयर करूँगी, जो कि जिसको बनाना बहुत ही आसान भी है और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। इसमें जो हम लोग इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वो टोटली नेचुरल हैं, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे हर एज के लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। इस फेस मास्क को बनाने के लिए हम लोग लेंगे एक बाउल। इसमें हम लोग फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो यूज़ करेंगे वो है ग्राम फ्लोर, यानी कि बेसन। बेसन हम लोग इसमें एक चम्मच यूज़ करेंगे। बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और सेकंड नंबर पर हम लोग इसमें यूज़ करेंगे ऑरेंज पील पाउडर, यानी कि माल्टे के जो है छिलकों का पाउडर। आप लोग चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं और अगर चाहें तो आप लोग इसे बाज़ार से भी परचेज़ कर सकते हैं। घर में आप लोग इसके माल्टों के छिलकों को लेकर और उसको छाँव में आप लोगों ने इसे ड्राई करना है। उसके बाद जब अच्छे तरीके से छिलके ड्राई हो जाएं तो आप लोगों ने इसका पाउडर बना लेना है। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद लास्ट में हम लोग इसमें यूज़ करेंगे योगर्ट, यानी कि दही। दही हम लोगों ने इसमें इतनी यूज़ करनी है जिससे कि एक थिक सा और एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। दही ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमारा फेस पैक बनकर रेडी है। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने इसे अप्लाई किस तरह करना है। आप लोगों ने इसे अपने पूरे फेस पर और नेक पर अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे अप्लाई कर लेना है और 10 से 15 मिनट तक आप लोगों ने इसे इसी तरह से लगा रहने देना है। और जिन लोगों को फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम है तो वो इसे अच्छे तरीके से ड्राई होने दें। जब ये कम्प्लीटली तौर पर ड्राई हो जाए तो इसको आप लोगों ने मसाज करते हुए रिमूव कर देना है। और जिन लोगों को जो है फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम नहीं है तो जब ये थोड़ा सा गीला हो फेस पैक, उसको आप लोगों ने उस वक्त मसाज करते हुए इसको रिमूव कर देना है और अपने फेस को आप लोगों ने वॉश कर देना है। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी होगी और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो भी करेगी, क्योंकि हम लोगों ने इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो टोटली नेचुरल हैं और केमिकल से बिल्कुल पाक हैं और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये फेस मास्क ये आपकी स्किन को नरिश भी करेगा और आपकी स्किन को वाइटनिंग इफ़ेक्ट भी देगा। और आप लोगों ने इस फेस पैक को लाजमी ट्राई करना है। और आई होप आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।